हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट हो रही है बस अफ्तार से थोड़ी देर पहले। हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं और वो सारा तामझाम लेकर आए हैं। देखेंगे कि जो किचन का सिंक का ड्रेनेज का प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। सो बस जैसे तैसे करके बस आज इफ्तारी बनानी है। पानी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं टैप खोलूंगी या ज़्यादा पानी यूज़ करूंगी या बर्तन ज़्यादा गंदे करूंगी तो पता नहीं आगे उसने खुलना है ड्रेनेज ने या नहीं। और कोई भी अगर हम लेबर बुलाएंगे प्लम्बर या कुछ भी, तो उसके लिए हमें वीकेंड का वेट करना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस होता है। सो यू नो, रिस्क कम लेते हुए इफ्तारी बनाते हैं। चलें, आज की इफ्तारी ना मेरी बहुत जुगाड़ू बन रही है। बस मैं सिर्फ आलू के पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि वो सिंपल से होते हैं। और ये मेरी पेरी पेरी बाइट्स जो कल की थी वो होंगी फ्राई। अलावा समोसे मैं आज एयर फ्रायर में करूँगी। ये लेफ्ट ओवर चिकन है जो कल पेरी पेरी बाइट्स बनाते हुए बच गई थी, उसका मैं सैंडविच बना लूँगी। क्योंकि किचन का फाइनली काम हो रहा है, हस्बैंड काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है वो उन्होंने अंदर डाला है और डाल के छोड़ा है। वो तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ना है, उसके बाद कोई और काम होगा। तो पता नहीं 1 आवर बाद भी ये सही से ओपन होता है या नहीं। सो बस मैं जैसे तैसे कर सकती हूँ आज कर रही हूँ एंड अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मैंने ब्रेड के ऊपर ये चिकन रख दिया लेफ्ट ओवर, उसके ऊपर चीज़ डाल के उसको मेल्ट कर दिया। अब मैं इसमें क्यूकम्बर और लेटस डालूँगी और इसको अच्छा सा सेक लूँगी और एक सैंडविच और बन जाएगा इस तरीके से। पकौड़े मेरे हो गए हैं एंड यहाँ पर मेरी फ्राई हो रही है पेरी बाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर पानी के भी मैंने जुगाड़ कर ली है और अच्छी खासी हमारी इफ्तारी बन गई है। पकोड़े हैं, पेरी बाइट्स हैं, समोसे हैं, फ्रूट चाट बना ली है, जूस है, खजूर है एंड जो आज की लाइमलाइट है ना, जो आज का स्टार है वो ये सैंडविच है। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है। एक लेफ़्ट ओवर्स चिकन के साथ मैंने इसमें चीज़ अच्छे से मेल्ट कराई और बाकी मैंने इसके अंदर क्यूकम्बर और लेटस डाला, उसको फिर अच्छे से सेक लिया एंड दिस सैंडविच इज रेडी। सो बस अब दुआ मांगेंगे और इफ्तारी करेंगे एंड आई एम सो हैप्पी। फाइनली हमने इफ्तारी वगैरह तो कर दी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ड्रेनेज है वो ओपन हो गया। थैंक गॉड, इतना रिलीफ मिला है ना। एंड थैंक यू टू मिस्टर, उन्होंने खोल दिया, लेकिन ये मिस्टर नहीं, ये वाले मिस्टर। और हमने इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ किए, लेकिन यार जो मिस्टर मसल है ना, ये कमाल चीज़ है। इसने क्या क्लियर किया है। मैंने इफ्तारी बनाने से पहले हस्बैंड ने इसको डाल दिया था तो हमने इसको छोड़ दिया फॉर एन आवर और उसके बाद फिर हमने 2 लीटर गर्म पानी, खोलता हुआ गर्म पानी डाला एंड फू इट वॉज़ ऑल क्लियर। सो अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ और किचन अब मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जो इफ्तारी में थोड़े बहुत बर्तन गंदे हुए वो हैं, इसको बहुत अच्छे से पाक साफ़ करना है, इसको नीट एंड क्लीन पाक साफ़ करके रखना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हस्बैंड को भी चाय भी देनी है। तो चलिए जी, बस काम पे लगता है। रोज़ा खुलने के बाद ना मुझे ज़्यादा वीकनेस और अजीब डलनेस फील होती है, पता नहीं क्यों, अजीब उल्टा हिसाब है। रोज़े से पहले मुझसे कितना ही काम करा लो, मैं फुल एनर्जेटिक रहती हूँ, लेकिन रोज़ा खुलते ही ना बस एकदम कमज़ोरी सी होने लगती है। खैर, काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी और दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला तो पता चला हस्बैंड ने फ्रूट चाट ऐसे ही रख दी है बगैर उसको क्लीन फ्लिंग से कवर किए। ऐसे अगर रख दो ना फ्रूट चाट को, तो एक तो फ्रूट चाट में और चीज़ों की स्मेल आने का डर होता है, उल्टा ये कि फ्रूट्स की स्मेल पूरे फ्रिज में आ जाती है। सो आई प्रेफर कि मैं इसको कवर करके ही रखूँ। चाय बनने में ना यार टाइम लगता है, एक तो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, अगर आप कैटल में बना लो तो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टोव में चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक चाय बनेगी मैं फटाफट सारी चीज़ों को समेट लूँगी। वैसे तो नॉर्मली भी इफ्तार के बाद काफ़ी सारा काम बिखरा हुआ होता है, लेकिन आज तो डबल बिखरा हुआ था क्योंकि आज मैंने किचन भी नीट एंड क्लीन करना था। आई मीन टू से कि वो जो ड्रेनेज का इशू था उसके बाद मैंने सही से पाक साफ करना था, इसलिए टाइम लगेगा। शुरुआत मैंने करी टेबल से। टेबल वैसे इतनी गंदी होती नहीं, हम दो ही तो लोग हैं और दोनों बड़े समझदार हैं, इसलिए टेबल ज्यादा गंदी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक दफा वाइप आउट अच्छे से कर देती हूँ। बर्तन सारे किचन में लेके जाएंगे, जो चीज जहाँ रखनी है उसको रखेंगे। अच्छा, जब हम इफ्तारी के लिए जल्दी जल्दी चीजें तैयार कर रहे होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथों में कभी बेसन लगा होता है, ऑयल लगा होता है और चीजें हम बस जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं, तो हमारे किचन में ना हमारे ही हाथों से थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। फ्रिज जो है उस पर थोड़े से मुझे बेसन के और ऑयल के निशान नजर आ रहे थे, तो मैंने अभी ही हाथ के हाथ उसको वाइप से अच्छे
तरीके से क्लीन कर लिया था। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी ना तो जितना पुराना होगा दाग उतना मुश्किल होगा निकालना और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैं हर एक दो दिन बाद जब देखती हूँ कि हल्का सा मुझे कोई निशान वगैरह नजर आ रहा है, मैं हाथ के हाथ उसी वक्त सबको क्लीन कर लेती हूँ। अगर डेली बेसिस पे हम ये काम कर लेना तो ये बहुत जल्दी और क्विकली हो जाते हैं, अगर ना करें तो लंबा पड़ता है काम ये। खैर, सारी चीजें वॉश करने के बाद जो चीजें स्टोर में जानी थी वो मैंने धो के पैक करके हस्बैंड को दे दी थी, वो लेके चले गए थे। बाकी मैंने ये पूरा एरिया नीट एंड क्लीन किया था ताकि मैं धुले हुए बर्तनों की बास्केट सबसे पहले जगह पे रखूं और किचन में थोड़ी जगह बने। यहाँ पे ना मोस्टली किचन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और किचन क्या वैसे भी पूरा यूके का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, यहाँ पे चीजें बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हों, रोड्स हों, स्टेशंस हों, कुछ भी हो। ये लोग ना स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा स्पेस नहीं देते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में। खैर, हम तो यहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट में हैं, लेकिन जिनके मैंने देखा है अपने घर भी होते हैं, मोस्टली उनमें किचन्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते अनटिल अनलेस कि आप खुद उसको कंस्ट्रक्ट करवाओ और चेंजेस अपने हिसाब से करवाओ। बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो रेंटेड अपार्टमेंट मिला हमारे हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से, उसमें किचन इतना छोटा नहीं था और फिर भी काफी स्पेस है मेरे पास। एंड सेकेंडली, किचन सेपरेट है। जो ओपन किचन होते हैं ना यहाँ पे, वो बहुत मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है और अगर आपका किचन लिविंग रूम से बिल्कुल ओपन अटैच है तो फिर वो काफी ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि किचन थोड़े सेपरेट हो, दावत वगैरह करो तो मैनेज करना आसान रहता है। खैर, यहाँ पे मेरी चाय में उबाल आ गया था, चाय चल रही थी और साथ में किचन के सारे काम भी चल रहे थे। अगर सबको शूट करती तो बहुत देर लग जाती, मुझे काफी टाइम लग गया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय किचन इज नीट एंड क्लीन एंड बैक टू रूटीन। ये चमकता धमकता किचन बर्तन, उफ, दिल की तसल्ली मेरी मिल गई। चले जी, बर्तन वगैरह सब हो गए। हस्बैंड को चाय बहुत देर पहले बनाकर दे दी थी, अब मैंने अपनी ग्रीन टी के लिए पानी गर्म कर लिया है और आज मैं अपना ये वाला कप लूँगी। आज ये कप लेंगे। अच्छा, मैंने ना पूरी कैटल भर के पानी गर्म किया है क्योंकि भैया अभी मुझे डर लग रहा है ग्रीन टी के पानी के साथ साथ। मैं स्लोली स्लोली पूरा पानी इसमें भी डालूंगी, सो यू नो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ इट रादर देन कि फिर से वो प्रॉब्लम हो। एंड इट्स डन। ग्रीन टी, आई थिंक आई वॉन्ट टू गो विद दिस फ्लेवर। और ये देखो जरा, शूट करते करते ही मैंने पानी गिरा दिया, पर हम इसको वाइप आउट कर देंगे। बाहर बारिश शुरू हो गई है, मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करूंगी, थोड़ी सी फ्रूट चाट खाऊंगी और फिर थोड़ी देर बाद उठ के ईशा वगैरह पढ़ूंगी, सो जाएंगे और फिर सहरी में उठेंगे। सो व्लॉग यहीं तक था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।